आप बच्चे की एकाग्रता देखिए, देखने में ये दृश्य, इन बच्चों के इस प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है, बहुत शानदार। इसके बाद अगला प्रतिभागी, ये इस प्रकार की आश्चर्यजनक अनूठी गतिविधियां पूरा दिन शाम को 5 बजे तक चलती रहेंगी। सूर्य देवता हमें आशीर्वाद देने के लिए बीच बीच में वो भी उपस्थित हो रहे हैं, जबकि मौसम विभाग की ये सख्त चेतावनी थी कि बड़ी भारी बारिश होगी, लेकिन आप देखिए कि इन बच्चों के उत्साह समर्पण के सामने सूर्य देवता भी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां बजाकर सूर्य देवता का भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत करते रहिए। यही है मुकंद प्रांगण की पवित्रता, निष्ठा, समर्पण, कामयाबी, सफलता। बहुत खूब, ये शरीर को विभिन्न मुद्राओं में मोड़ देना और संतुलन से मोड़ देना ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे विश्वास है कि किसी दिन इस बच्चे को बहुत ऊंची चोटी पर भी चढ़ना पड़ा तो ये सफलता पूर्वक चढ़ जाएगा। हम सबकी शुभकामनाएं इस होनहार विद्यार्थी के साथ है। संतुलन देखिए, ऊंचाइयों पर चढ़ना हो या जीवन के क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल करना हो, सब कुछ संतुलन पर ही आधारित रहता है, एकाग्रता पर ही आधारित रहता है, निपुणता पर ही आधारित रहता है, अभ्यास पर ही आधारित रहता है। इसकी एक चीज जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी संस्था है हमारे क्षेत्र की, बहुत से ऊंचे आयामों को हासिल किया है और आज मात्र एक रस्सी पर उनके बच्चे देखिए कितने निपुणता के साथ चढ़ पा रहे हैं। बहुत अच्छे, तालियां बजाते रहिए। हमारा काम तो इन बच्चों को उत्साहित करना और इनको शुभकामनाएं प्रदान करना है, उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे, अगली टीम भी तैयार रहे। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन संतुलन, शरीर की खूबसूरत भंगिमा और मुद्रा जो थी देखने लायक थी। बहुत सुंदर, हमारी सृष्टि में जितनी खूबसूरती भगवान ने मानवों को दी है उतनी ही खूबसूरती दूसरे प्राणियों को भी दी है। उनके शरीरों में इतना लचीलापन उत्पन्न किया है कि वो दुर्गम पहाड़ों, नदियों, झरनों और सभी स्थलों पर यात्रा कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, पर्वतों को लांघ सकते हैं लचीलेपन के कारण। और आज वो चुनौती दे सको, जीवन के क्षेत्र में चुनौती दे सको किसी भी समस्या को, तो उसके लिए इतनी एकाग्रता समर्पण की जरूरत होती है। सब अभ्यास पर निर्भर करता है। कई बार संसार में दूसरे प्राणी हमसे आगे निकल जाते हैं तो कई चलती है, मुकाबला चलता है, कभी प्राणी जीतते हैं तो कभी मानव जीतते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो समर्पण भाव से अभ्यास करता है, निपुणता दिखलाता है, दक्षता दिखलाता है। एक खिलाड़ी को हम भागते हुए देखते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी को हम जीतते हुए देखते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि मेकिंग ऑफ ए प्लेयर
एक खिलाड़ी के निर्माण प्रक्रिया में कितना दम, कितनी मेहनत। बहुत खूबसूरत सेंट थॉमस स्कूल की ये प्रस्तुति।